जो भक्तगण वाराणसी पति भगवान विशेश्वर के इस स्तोत्र का पाठ संपूर्ण निष्ठा पूर्वक करते हैं, वे अनंत कृति को प्राप्त कर निरंतर कैलाश में निवास करते हैं। अथ श्री विश्वनाथास्तकम् गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाचाम गोचर मने ककुलस्वरूपम् वागीश विष्णु सुरसेवित पादपीठम् वामेन विग्रह वरेण कलात्रवन्तम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् भूताधिपं भुजगभूषणभूषिताङ्गं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् सीतांशुशोभित किरीट विराजमानम् भाले क्षणानल विशोषित पञ्चवाणम् नागाधिपारचित भासुरकर्णपूरम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् पञ्चाननं दुरितमात्तमतङ्गजानाम् नागान्तकं तनुजपुङ्गवपन्नगाना दावानलं मरणशोकजराटवीनां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीया मानन्दकन्दमपराजितमाप्रमेयम् नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायम् माधुर्यधैर्यसुभगं गरलाभिरामम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् आशां विहाय परहृत्य परास्य निन्दां पापेरतिं च सुनिवार्य मनः समाधो आदाय हृत्कमलमाध्यगतं परेशम् वाराणसीपुरपतिं
भज विश्वनाथ। वाराणसीपुरपते हस्तवनम शिवास्य व्याख्यातमस्तकमिदं पठते मनुष्यः। विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं समप्राप्य देह विलये लभते च मोक्षम्। विश्वनाथास्तकम् इदम् यः पठेच्छिवसन्निधौ शिवलोकम् अवाप्नोति शिवेन सह मोदते। इति श्री महर्षि व्यास प्रणीतम् श्री विश्वनाथास्तकम् संपूर्णम्।